सीसीएल रजरप्पा स्थित ऑफिसर्स क्लब में अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के केंद्रीय कार्य समिति के एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रोशनलाल चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष रोशनलाल चौधरी ने कहा कि अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ का जन्म ही मजदूरों की समस्याओं से लड़ने के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति मजदूरों में विश्वास में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो हमारे जुझारूपन को दर्शाता है। वहीं उन्होंने कहा कि रजरप्पा की ऐतिहासिक धरती से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की अगुवाई में आजसू पार्टी व अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ ने पूरा विश्वास जगाया, जिससे हम मजदूरों की लड़ाई को सफलता तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। आगे भी उसी धारदार तरीके से संगठन को और मजबूती देने का काम करेंगे और सभी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर की समस्याओं से कामगारों को निजात दिलाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक के दौरान केंद्रीय महासचिव सतीश सिन्हा, रजरप्पा क्षेत्रीय अध्यक्ष रविंद्र वर्मा सहित अन्य क्षेत्रों से आए सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। हमारे पर विश्वास करके हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी सदस्यता बढ़ते जा रही है और इसमें हमारे माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही माननीय सुदेश महतो जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। पूरे बीसीसीएल में जो झारखंड क्षेत्र में जितने कोजरियाँ हैं, जो स्थानीय समस्याओं से संबंधित भी बहुत सी समस्याएँ हैं, जिनको लेकर पार्टी स्तर पर भी माननीय सुदेश कुमार महतो जी विस्थापितों को लेकर, माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी विस्थापितों को लेकर समस्याओं को चाहे राज्य स्तर पर हो या दिल्ली संसद में भी उठाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों में विश्वास बढ़ा है और आजसू मूल संगठन और अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ आगे